हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की। आज तीनों इंडेक्सेस ने एक गैप अप ओपनिंग दी है और तीनों ने अपने आप को लाइक एक बहुत रेंज बाउंड तरीके से क्लोजिंग दी है, मतलब एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। बुल्स ऊपर लेके गए हैं मार्केट को, बट वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि करंट बैरियर्स को ब्रेक कर सके। For example, in Nifty, if you see on my screen, I have drawn a channel. The Nifty's, it formed a doji. Range of doji was almost like 46 points. मतलब बहुत छोटी doji का formation हुआ है. In Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, सारे अपने day high को break नहीं कर पाए. अब क्या लगता है, क्या scenario है? तो मेरे हिसाब से दो possibilities हैं Nifty के लिए कि कल हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो, और गैप डाउन ओपनिंग होगी तो निफ्टी 18,400 को टच करने आएगी। और अगर थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है या थोड़ा सा कहीं मिडिल में ओपन होती है बैंक निफ्टी और फिर 18,642 को क्रॉस करती है, तो हमको एक लेवल देखने का मिल सकता है जो कि 18,700 का लेवल हो सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, फिन निफ्टी ने दोजी बनाई है। इसका मतलब कि देयर इज अ टग ऑफ वॉर गोइंग बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। अब कल क्या होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर कल 18,645 क्रॉस होता है तो हमको कम से कम 18,700-18,800 की टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और अगर 18,590 क्रॉस होता है नीचे की तरफ, तो हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में 18,400। तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। और अगर बात करें कि निफ्टी की, इट इज सेल ऑन राइज। अगर निफ्टी ऊपर जाती है 18,800, आप सेलिंग के लिए तैयार रहिएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से निफ्टी नीचे आ जाए। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि इसमें क्या हो गया अगर ऑल टाइम हो, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रही है। बहुत कुछ हो जाता है। सी, ऑल टाइम हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। आप देखेंगे कि एक बार जब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पे और नीचे आया था, उसके बाद मैसिवली नीचे आया था, फिर ऊपर गया है और फिर डबल टॉप लगाया उसी जगह पे। मतलब क्रॉसिंग दिस प्लेस इज अ फिनोमेना, राइट? ये एक इवेंट होती है। लाइफ टाइम हाई क्रॉस करना एक इवेंट होती है। तो इस इवेंट को मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है अगर ये वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है। अगर बैंक निफ्टी अपने हाई को वॉल्यूम के साथ क्रॉस करती है और वहां पे रुकती है कुछ दिन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो जाता है इन द जर्नी ऑफ बैंक निफ्टी। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों की, बैंक निफ्टी ने एक गैप क्रिएट किया है बिटवीन 44,155 to 44,255। देयर इज अ गैप। ये गैप जो है बैंक निफ्टी फिल करने नीचे जरूर आएगी। मतलब आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है देयर कुड बी अ ड्रॉप एंड द बैंक निफ्टी में कम डाउन टू फिल अप दिस गैप। यहां तक दोबारा आके रीटेस्ट करेगी और ऊपर जाएगी, और ये कि बहुत हेल्दी अप मूव आएगा अगर इस तरह का अप मूव आया। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ बैंक निफ्टी से, आई शेयर विद यू What I am expecting कि बैंक निफ्टी जो है अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर करेगी। ये बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन है जिसको कि बैंक निफ्टी ऑनर करेगी। अगर कल एक दो दिन में या कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बैंक निफ्टी 43,875 को टच करने आएगी। यहाँ तक कहीं पे टच करने आएगी, लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू। बैंक निफ्टी यहाँ तक कहीं पर टच करने के लिए आएगी, मतलब 44,000 को टच कर जाएगी। 44,000 को टच करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद, गैप फिल करने के बाद एक नेक्स्ट मूवमेंट चालू होगा। ये जो नेक्स्ट लेग चालू होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगा, बिकॉज दिस विल बी बैक ऑन मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस, राइट? अब क्विकली बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आप नोटिस करिए कि थोड़े से आज जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है 44,500। तो एक और चीज, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था बैंक निफ्टी में जितने भी 500 के मल्टीपल्स हैं,
44,000, 44,500, 45,000 नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, वो इसलिए होते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस आर रिटन एट दोज लेवल्स। तो ये जो 44,500 का लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही अनवाइंड नहीं होंगे, राइट? दे विल नॉट अनवाइंड, दे नो। सो पहले प्राइस ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, 44,500 जाएगा, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, 44,000 को टच करेगा और फिर बाउंस करेगा। ये जो होगा, जो सेकंड बाउंस आएगा, दैट विल बी अ वेरी सॉलिड ब्रेकआउट एंड दैट विल बी अ ट्रेंडिंग ब्रेकआउट। सो ऑप्शन चेन तो यही बता रहा है कि कॉल राइटर्स आर वेरी वेरी अग्रेसिव। अगर आप नोटिस करते हैं इस जगह पे विद रिस्पेक्ट टू द पुट राइटर्स, पुट राइटर्स के रिस्पेक्ट में कॉल राइटर्स आर वेरी वेरी अग्रेसिव। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 18,600 हैज बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रीजन है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, मतलब निफ्टी इज प्लानिंग टू गो अप व्हेयरएज बैक निफ्टी इज इंडिसाइसिव, राइट? एज ऑफ नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो थोड़ा सा केयरफुल ट्रेड करिएगा। और एक बार क्विकली बात कर लेते हैं कि किस किस सेक्टर में ब्रेकआउट आया है और कहाँ पे मेटल सेक्टर में ब्रेकआउट है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर मेटल पॉजिटिव है तो आपको कभी भी शॉर्टिंग नहीं करनी है, आपको बाय करके ही चलना है। फिन निफ्टी में गैप अप, रियलिटी में भी गैप अप, बैंक निफ्टी में गैप अप, ऑटो में गैप अप और उसके बाद थोड़ा प्रेशर, पीएसयू बैंक में भी गैप अप, निफ्टी में गैप अप, सब में ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर वाज अ गैप अप एक्सेप्ट आईटी। आईटी अब रीटेस्ट करने के लिए आएगा 21,900 एंड देन इट विल टेक अ बाउंस एंड दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड मूव। तो एज ऑफ नाउ सेक्टर्स आर लुकिंग वेरी गुड, प्रॉमिसिंग एंड एवरीथिंग। एक स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो रहेगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को मैं अपने रडार पे रखूंगी, हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 156 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ, इमीडिएट टारगेट ऑफ 160, 162, 163। और अगर 162, 163 क्रॉस हो जाता है तो 169 के टारगेट और फिर उसके बाद हमको 173, 174 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सो आरबीएल बैंक भी मेरे रडार पे है, रडार पे रखिएगा। और एज ऑफ नाउ व्हाट आई वुड से कि थोड़ा करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है टिल द लेवल ऑफ 44,000 एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी रीटेस्ट करने आएगी, गैप फिल करने आएगी, फिर एक बाउंस आएगा एंड दैट विल बी अ वेरी ट्रेंडिंग डे, राइट? सो वेट करिए, वॉच करिए। थोड़ा टर्मोइल हो सकता है मार्केट में, थोड़ा आराम से बाहर बैठ के मार्केट को देखिए। And once you get a confirmation, then you should trade. And it's sell on rise and buy on dip. अगर नीचे जाती है तो आपको buy करने की opportunity मिलेगी bank Nifty, और ऊपर जाती है तो आपको sell करने की opportunity मिलेगी. So with this, I'll be signing off and stay tuned for the live trading in the morning from 9 to 10. In the live market, we gave a trade of Titan. We bought Titan at about 2076 or something. It gave a very very beautiful breakout. We gave a buy somewhere around 2779 and it made a high of 2819, almost like 50 points ka move Titan ne diya hai aur closing bhi bahut badhiya ki hai, almost lifetime high ke upar. So that's also a very very positive indication. Hopefully this momentum will continue tomorrow. All the best, see you in the live market tomorrow. Take care, bye bye.